नमस्कार दोस्तों, बुलबुल शॉप पे मैं हूँ आपकी इंटीरियर एक्सपर्ट सुभाष्मिता और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे तरीके जिससे आप अपने बालकनी को डेकोरेट कर सकते हैं। एंड आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सारी चीज़ें आप घर पे खुद बना सकते हैं। आइए देखते हैं। पहली चीज़ है ये क्रीपर ट्रेलिस। क्रीपर ट्रेलिस वो चीज़ होती है जिस पे हम अपने क्रीपर जैसे कि मनी प्लांट या कोई और ऐसे पौधे जिसको चढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है उसके लिए एक सपोर्ट तैयार करते हैं। ये चीज़ आप अपने घर पे काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। जिस दीवार पे आपको ये लगाना है उस दीवार का मेजरमेंट लीजिए, बाहर से कुछ लकड़ियाँ ढूंढिए, उनको क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज कीजिए। या तो आप उनको ग्लू गन से चिपका सकते हैं या मेटल वायर से या जूट वायर से बांध भी सकते हैं। उसके बाद आप उस पर पेंट का कोट कीजिए। मेक श्योर कि आप इनामेल पेंट यूज़ करें तक, क्योंकि ये बाहर यूज़ हो रहा है और वो वाटरप्रूफ होता है। एंड आप इस पर अपने असली प्लांट्स या फिर आर्टिफिशियल प्लांट्स पर लगा सकते हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने पॉटेड प्लांट्स में वाइट पेबल्स ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको इसको एक लेवल और ऊपर लेके जाना है तो आप उन पेबल्स को कलर भी कर सकते हैं। आप उन पर अपना कोई भी मनपसंद कलर कर सकते हैं या पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। यह आपके सभी प्लांट्स को एक यूनिक सा लुक देगा। अपनी बालकनी को थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए और उस जगह का अच्छे से आनंद लेने के लिए वहाँ पे एक सीटिंग का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। और हम सब के घर में वो पुरानी लकड़ी की चेयर ज़रूर होती हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते, सो क्यों ना अपने बालकनी में यूज़ करें। अब आप सोचेंगे वो दिखने में तो अच्छी लगती नहीं, तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप उस पर कोई भी ऐसा पेंट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, ऐसा कोई भी कलर, एंड उसके ऊपर कोई भी एक बहुत कलरफुल प्रिंट वाले कुशन लगा के आप उसको एक बहुत अच्छा मेकओवर दे सकते हैं। सबकी बालकनीज में काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं और वो सब अलग अलग तरह के पॉट्स में होते हैं। कुछ पॉट्स हमने बाहर से लिए होते हैं, कुछ हमने घर पर खुद बनाए होते हैं, इसीलिए वो साथ में उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो उन सभी पॉट्स को एक जैसा लुक देने के लिए आप बहुत सिंपल चीज़ घर पर कर सकते हैं। अगर आपके पास जूट की तार है तो आप उसको उसके चारों तरफ लपेटिए उन सभी पॉट्स के। इससे वो ना सिर्फ दिखने में एक जैसे लगते हैं बल्कि जूट एक ऐसा मटेरियल है जो आपके डिज़ाइनिंग लेवल को काफ़ी लेवल्स ऊपर लेके चला जाता है। इन्हीं जूट की वायर्स को यूज़ करके आप अपनी बालकनी के लिए हैंगिंग लाइट्स बना सकते हैं। लाइट से किसी भी जगह की शोभा 10 गुना बढ़ जाती है और ये हैंगिंग लाइट्स बनाना काफ़ी ईजी भी है। आप अपने घर पे एक बलून लीजिए, इन जूट वायर्स को ग्लू में डुबो के उसके चारों तरफ लपेटिए, और जब ये सूख जाए तो आप बलून को फोड़ सकते हैं और उसके अंदर लाइट्स लगा सकते हैं। इससे ये भी काफ़ी सिंपल तरीका है अपनी बालकनी को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने का। आशा करती हूँ आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगे हों और आप इनको ज़रूर आजमाएंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसे लगे ये आइडियाज़, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और मेरे प्रोफाइल को ज़रूर फॉलो करें।